टीचर्स और हमारे जो मेहमान हैं सभी को स्कूल की तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। ये एक बस दो मिनट के लिए आप कुछ बातें हैं जो आप सुन लीजिए। जो बच्चे हैं खामोश हैं, मैम जो है उसको खामोश कर दो। ये जो 26 जनवरी है आज 26 जनवरी, और हम यौम जमहूरिया मनाते हैं जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहा जाता है और हिंदी में गणतंत्र दिवस। ये अभी कई पीछे जो स्पीच हुई है मैम ने भी बताया और जो बच्चे ने अभी परफॉर्मेंस दी है कि इस दिन हमारे देश का कानून कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू हुआ। हमें मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, और फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उन्होंने इस मुल्क का अपना दस्तूर अपना कानून बनाया, और वो 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू किया गया। तो इस एतबार से उसी दिन से ये यौम जमहूरिया, यानी ये मुल्क फिर उस दिन जमहूरी बन गया। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जिसमें आवाम अपने हुकुमरान मुंतखब करती है, सिलेक्ट करती है, जो देश में इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो उनके जरिए से इस मुल्क की जो हुकूमत है, जो बागडोर है, वो किसके हाथ में होगी, वो मुल्क की पब्लिक आवाम ये तय करती है, वो वोट देती है। और इस मुल्क के अंदर यानी जो कानून है उसमें हर मजहब को मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी दी गई है, किसी खास मजहब का कोई उसमें दखल नहीं है, यानी एक गैर मजहबी और मुकम्मल आजादी, और जिसको सेकुलरिज्म कहा गया, और इसी तरह से यानी डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर नाफिज की गई। तो वो 26 जनवरी 1950 को ये जो देश का कानून है वो लागू हुआ, और इसी वजह से हमारे जो मुल्क के सारे आवाम है और देश की जो पब्लिक है वो सब इस दिन को मनाते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आजादी दी गई है और हमें हर तरह से कानून का तहफ्फुज़ हासिल है। ये इस मुल्क का जो कानून है उसने हमें ये सिखाया और ये आजादी दी है, और यानी बिल्कुल नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद पर मबनी एक कानून दिया गया कि जिसके अंदर किसी को किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत नहीं है, किसी ताकतवर को कमजोर को सताने की इजाजत नहीं है, और न ही मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर किसी को कोई सताया जाएगा या उसको दूसरे दर्जे का शहरी करार नहीं दिया जा सकता। तो इस एतबार से ये दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस लिहाज से हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़ें, हम उसको समझें, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यानी इसकी जमहूरियत को खतरा लायक है या एक खास तबका वो इस मुल्क के अंदर जो तशद्दुद फैलाने की कोशिश में है, तो हमें इस दिन ये सबक पढ़ना है, ये सीखना है कि हम इस मुल्क की जमहूरियत को बाकी रखेंगे और हम इसके अंदर पूरी तरह से अमन अमान कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, उन्होंने हर तरह से इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को गैरों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए पूरी तरह से मेहनत की, कोशिश की, कुर्बानियां दी। वो फांसी के फंदे पर झूल गए और उन्होंने इस मुल्क को आजाद कराकर ही दम लिया। इसी तरह से हर मुल्क का हर शहरी वो इस दिन इस बात का आजम करे, इरादा करे और अहद करे कि हम इस मुल्क के जमहूरियत को बाकी रखने के लिए और इस मुल्क के कानून के तहफ्फुज के लिए हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश और मेहनत करेंगे। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें अपने दीन के साथ,
अपने ईमान के साथ, अपनी तौहीद के साथ में इस मुल्क में रहना है। हम जिएंगे तो अपनी तौहीद के साथ, अपने अकीदे के साथ और अपने दीन और ईमान के साथ में इस मुल्क में रहेंगे, और जब हमारा इस दुनिया से जाना होगा तो हम कलमे के साथ में और अपने इस्लाम के साथ में इस दुनिया से रुख्सत होंगे। हमें अल्लाह के अलावा किसी ताकत का कोई खौफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ईमान है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला से ही हम डरते हैं, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके आगे हम सर झुकाएं। हम सर कटाना जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं जानते। ये हमारा इस दिन का पैगाम है, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए। जो जमहूरी इस मुल्क को बनाया गया है, जमहूरियत पर आधारित है इस मुल्क का कानून, उसमें धर्म निरपेक्ष, बिल्कुल किसी धर्म को कोई खास दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि हर धर्म के मानने वाले को अपनी मजहबी रसूमात, अपने मजहबी इबादात का पूरा इख्तियार हासिल है। तो जब ये चीज इस मुल्क के अंदर बाकी रहेगी तो ये मुल्क बाकी रहेगा, अमनो अमान रहेगा, प्यार और मोहब्बत रहेगी। और अगर इसमें तशद्दुद की कोशिश की गई या किसी एक मजहब के मानने वालों को दूसरे मजहब के मुकाबले में कोई तरजीह दी जाएगी या उसको दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाएगा, तो फिर इस मुल्क का अमन अमान वो बाकी नहीं रहेगा और वो खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा हम ये अहद करें कि हम इस मुल्क के कानून की हिफाजत करेंगे, पूरी तरह से हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अमन अमान के लिए अपने दीन और मजहब पर बाकी रहते हुए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अमन अमान कायम रखे, इसकी सालमियत को बरकरार रखे, और जो लोग तशद्दुद की राह पर हैं या उसके अमन अमान को बिगाड़ना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही उनको समझ दे और उन पर अल्लाह ताला उनको सही हिदायत पर उनको लगाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।